छिन पूछ करें। ये विधानमंडल शुरुआत रहने के कारण धारा 144 लगी हुई क्षेत्र है। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बार, मैं हूँ आपके साथ शैलेंद्र कुमार। देखिए, यह आर ब्लॉक की चौराहे का माम है जगह, यह आर ब्लॉक चौराहा है जहाँ वाटर टैंकर भी पहुँच चुका है। विधानसभा घेराव करने के लिए आंगनबाड़ी सेविका पहुँची थी। आप वो तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, ये आर ब्लॉक चौराहे की तस्वीर आप देख सकते हैं, कितना भारी मात्रा में आंगनबाड़ी सेविका पहुँची है। तस्वीर वो आपको आर ब्लॉक चौराहे की दिखा रहा हूँ कि देख सकते हैं कि किस तरह से आंगनबाड़ी सेविका पूरा रोड जाम करके आर ब्लॉक चौराहे पर बैठ गई है, धरने पर बैठी हुई है। तमाम पुलिस कोशिश कर रही है रोड को छुड़ाने के लिए, मगर वो खोलने के लिए तैयार नहीं है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये आर ब्लॉक चौराहे की तस्वीर है। आप देखिए कि किस तरह से ये आर ब्लॉक चौराहे की तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, सीधे सीधे तस्वीर आप देखिए, आर ब्लॉक चौराहे की तस्वीर आप या देख सकते हैं कि किस तरह से भारी मात्रा में पुलिस बल की तैनाती की गई है। विधानसभा सत्र आज दूसरा दिन है, दूसरे दिन विधानसभा सत्र चल रहा है। विधानसभा के अंदर भी हंगामे हो रही है, आंगनबाड़ी सेविका के ऊपर लाठियां चार्ज करने को लेकर बीजेपी विरोध भी कर रही है। वहीं आप तस्वीर या देखिए, आर ब्लॉक चौराहे की तस्वीर है। आंगनबाड़ी सेविका रोड पर बैठ इस रोड पर ही बैठ गई, पूरा रोड को ब्लॉक कर देगा। यहाँ से महज कुछ ही दूरी पर विधानसभा है। विधानसभा क्या आवाज़ नहीं जा रही होगी आंगनबाड़ी सेविका का? क्या मुख्यमंत्री इनकी आवाज़ नहीं सुन रहे होंगे? क्या उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव के कानों में यह आवाज़ नहीं जा रही होगी कि किस तरह से आंगनबाड़ी सेविका लगातार वो धरना प्रदर्शन लगातार कुछ महीनों से कर रही है। चरणबद्ध आंदोलन है इनका। आज पटना के गर्दनी बाग में इनको पहुंचाया गया है। कुछ महिलाओं को विधानसभा घेराव करने के लिए सुबह आपको फर्स्ट विहार पर दिखाया था कि किस तरह से महिलाएं पहुंची है आंगनबाड़ी की विधानसभा घेराव करने के लिए। वाटर टैंकर का यूज भी किया गया, थोड़ा बल प्रयोग भी किया गया, दो तीन महिलाएँ घायल भी हुई जिनको अस्पताल में भी भर्ती कराया गया। अब वह तस्वीर देखिए, डाकबंगला चौराहे की वह तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह से पूरा आंगनबाड़ी सेविका के कब्जे में आर ब्लॉक चौराहा है। पूरा आंगनबाड़ी सेविका के कब्जे में यह आर ब्लॉक चौराहा है। पुलिस रोक कर रखी हुई है कुछ देर में। अब देखिए कि क्या होता है, क्या नहीं होता। इनको ब्लॉक कर दिया गया है, रोड को चारों ओर से चालू किया गया है फिलहाल कुछ देर के लिए। आप वह तमाम तस्वीरें आपको फर्स्ट विहार पर दिखाता रहूँगा। फर्स्ट विहार पर बने रहे शैलेंद्र कुमार। ये सभी क्षेत्र प्रतिबंधित है, आप सबसे निवेदन है, हाथ जोड़ करके निवेदन है, आप इस प्रतिबंधित क्षेत्र से निकल जाए। आप सभी लोग अपने सुरक्षित घर की तरफ बढ़े। आप सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आंगनबाड़ी सेविका से निवेदन है, आप सभी लोग प्रतिबंधित क्षेत्र में घंटों से रास्ता बाधित किए हैं। आगमन व्यवस्था बाधित किए हुए हैं। आप सभी लोग अपने घर की ओर सुरक्षित कूच करें। ये विधानमंडल शुरुआत रहने के कारण धारा 144 लगी हुई क्षेत्र है। इस रूट में धारा 144 लगा गया हुआ है। यहाँ आप लोग सामूहिक तौर पे हड़ताल रोड जाम नहीं कर सकते हैं। आप सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से निवेदन है, नम्र निवेदन है, हाथ जोड़ करके निवेदन है, आप सब अपने घर की तरफ सुरक्षित बढ़े। आप सब अपने घर की तरफ यहाँ से लौट जाए। आप लोग द्वारा कई घंटों से माइकिंग करवाने के बावजूद रोड बाधित किया गया हुआ है। कई बार आप सबसे संवाद करने के बावजूद आप लोग इस सड़क को बाधित किए हुए हैं। आप लोग जो यातायात व्यवस्था है इसको रोके हुए हैं। आप सभी लोग अपने घर की तरफ सुरक्षित चले जाए, यातायात व्यवस्था चालू करने दें, एवं आप सभी लोग इस भीड़ को छित्र बित्र करके बढ़िया।
पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। नमस्कार, मैं हूँ आपकी शिल्पा शिंदे। कैसन बा, ठीक बा? जी हाँ, मैं 26 नवंबर को पूर्णिया बिहार पैनोरमा स्टार सीजन 6 के प्रोग्राम में आ रही हूँ। सही पकड़े हैं। पैनोरमा ग्रुप के निदेशक श्री संजय मिश्रा जी का धन्यवाद करना चाहूँगी। तो ई होम्स पैनोरमा में शाम को 7 बजे मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखना, मेरा इंतज़ार करना।